हेलो दोस्तों, होश प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 बाई 56, 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 56 फीट प्लॉट की लंबाई है। वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्लॉट की विड्थ की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो है 30 फीट, 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है, और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास 56 फीट, 56 फीट प्लॉट की लंबाई है। तो 30 बाई 56 प्लॉट का एरिया हो गया, और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। तो चलिए पश्चिम दिशा इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा 10 फीट का मेन गेट। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो मेन डोर है पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है ये स्टेयरकेस को छोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ इस दीवार तक 14 फीट 3 इंच, तो ऐसे, और 16 फीट 9 इंच यहाँ से लेके इस दीवार तक है। ठीक है, तो 14 फीट 3 इंच बाई 16 फीट 9 इंच का हमारे पास पार्किंग एरिया आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टेयर अप हो रही है तो यहाँ तक आएगी ना, तो काफ़ी ऊपर चले जाएगी, तो आपकी गाड़ी है जो कि आराम से इसके नीचे स्टेयर के नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमने 4 फीट का ओपन स्पेस छोड़ रखा है, मतलब कि 4 फीट आपको जगह छोड़ने के बाद में आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपकी पूरी बाउंड्री वॉल हो गई सामने यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका 4 फीट का भी पैसेज, और फिर आपका ये बेडरूम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे ही 2 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लैंडिंग बना हुआ है 3.5 फीट का। ठीक है, इस लैंडिंग से हमारा स्टेयर केस अप हो रहा है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट स्टेयर केस का हमारा लैंडिंग होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास 4 फीट का घर का मुख्य दरवाजा मेन डोर आ रहा है। ठीक है, इसको हम जैसे ही खोलते तो मेन डोर आ रहा है लिविंग एरिया के अंदर। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 16 फीट 9 इंच, 12 फीट ऐसे और 16 फीट 9 इंच ऐसे लिविंग एरिया हुआ। यहाँ पर आप इस दरवाजे को छोड़ के इतनी सी जगह, इसके बाद में यहाँ पर आप पूरे यू आकार के अंदर सोफे वगैरह लगा के सेंटर के अंदर टेबल वगैरह लगा सकते हो, ताकि जो भी मेहमान आए आप उनको यहाँ पर बिठा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लिविंग एरिया हुआ। और बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। ये हमारा बेडरूम है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो सामने निकल रही और एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग के अंदर निकल रही। ठीक है, अब इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो ये लिविंग एरिया, लिविंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 बाई 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो हमारे यहाँ स्टेयर केस के नीचे निकल रही है। ठीक है, तो ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम से ऑफिस बाहर आते हैं तो यहाँ पर चलते हैं तो ये देखिए आ रहा हमारा डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 16 फीट 9 इंच। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से अपनी डाइनिंग टेबल, जितने भी आप मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बनाकर रख सकते हो खाना वगैरह खाने के लिए। तो ये आपका डाइनिंग एरिया हुआ। फिर चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास 2 कॉमन टॉयलेट आ रहे हैं। ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा हम जैसे ही खोलते हैं तो हमारे पास कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। ठीक है, इसके पीछे हमने OTS छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 3 फीट 7.5 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का हमारे पास OTS है। इसके अंदर इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन निकल रहा है। ठीक है, इस कॉमन टॉयलेट के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और एक और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5 बाई 7 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम इस OTS के अंदर निकल रहा है। और इस कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आता है तो यहाँ पर आपका जो इस दीवार के पास में जो स्पेस बच रहा है, यहाँ पर आप अपना सिंक वगैरह लगा सकते हो हाथ वगैरह धोने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर डाइनिंग एरिया के इस तरफ। ये देखिए हमारे पास 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 7.5 इंच बाई 11 फीट। ठीक है, 8 फीट 7.5 इंच ऐसे और 11 फीट ऐसे। ये हमारा किचन हो गया। किचन की 4 फीट की विंडो हमने पीछे पूर्व दिशा के अंदर बालकोनी छोड़ी है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 16 फीट 9 इंच। ठीक है, इसके अंदर इस किचन की 4 फीट की विंडो निकली, और अगर आपको इस बालकोनी के अंदर जाना है तो किचन से यहाँ पर ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। ठीक है, किचन से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए पूजा रूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 5। ठीक है, इसका 2 फीट का वेंटिलेशन सेम इस बालकोनी के अंदर निकल रहा है। पूजा रूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 बाई 13 फीट ऐसे और 13 फीट ऐसे। ये बेडरूम है, इसकी 3 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर निकल रही, और जो टॉयलेट के पीछे जो OTS है उसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाजा दे रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 10 फीट का मेन गेट, ये 4 फीट का ओपन पीस है, ये हमारा पार्किंग, और यहाँ पर हमारा स्टेयर केस बना हुआ बारी, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा घर का मेन डोर, ये लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये डाइनिंग एरिया, ये कॉमन टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट, ये OTS, और ये किचन, ये पीछे बालकोनी, ये पूजा रूम, और ये हमारा वह बेडरूम। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों 30 बाई
छप्पन प्लॉट की साइज है। वेस्ट फेस है जिसके अंदर टोटल मैंने 3 बेडरूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, 2 कॉमन टॉयलेट, किचन, पार्किंग, स्टेयरकेस वगैरह मैंने डिजाइन किया है। तो ये देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से सारी डायमेंशन वगैरह समझ में आ जाए और ये कैसे बना है। ये देखिए पीछे से 30 फीट है चौड़ाई इसकी। ये बालकोनी हो गई हमारी, ये किचन, ये पूजा रूम, ये बेडरूम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कॉमन टॉयलेट, ये डाइनिंग एरिया, ये कॉमन टॉयलेट, ये पीछे ओटीएस, यहाँ पर सिंक वगैरह लग जाएगा, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये लिविंग एरिया, ये हमारा बेडरूम, फिर ये हमारा घर का मेन डोर, और ये हमारा बेडरूम, ये हमारा स्टेयरकेस, और ये हमारा पार्किंग एरिया, ये हमारा 4 फीट का ओपन पैसेज, और ये 10 फीट का मेन गेट, और ये पश्चिम दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।